दोस्तों जो ये मेरा घर है ना दोस्तों, इसको हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों चेंज करने के बाद मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस इलस दुनिया में। दोस्तों मैं घर बना लिया हूँ, देखो दोस्तों पीछे दिख रहा होगा। चलो दोस्तों ये देखो मैं घर बनाया हूँ, और दोस्तों ये मैं घोड़ा का तबेला है। ए वाओ, कोतरू, ये देखो स्थिर देखे तुम, बहुत टाइम वाह। लगा था। मेरा इतना घटिया लग रहा है घर दिखने में। अब तेरा हम्म, घर घटिया दिखने में लग रहा है मेरा, तुम्हारा। वाह वाह, तुम ही बना लेना। एकदम एकदम रईसों वाला फीलिंग आ रहा और है। ये देखो ये सब खेत है, मुझे जरूरी रहेगा तो इसमें से तोड़ लूंगा। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, यानी कि सीढ़ी है। और ये नेदर पोतल रहता है ना दोस्तों, ये है वाटर पोतल। अरे अरे, अपने आप ये जमीन नीचे हो रहा था, कुछ भी हो रहा है इस वाह दुनिया जी में। वाह, मेरा घर दिखने में बहुत घटिया लग रहा है इसके सामने। अच्छा, अरे तुम भी बना लेना। और ये भी, ये एक सब क्राफ्ट करने के लिए सामान है दोस्तों। और ये फर्नेस एंड ये चस्ट, मतलब दिखने के लिए। मुझे भी जल्दी बनाना पड़ेगा अपना घर। और दोस्तों ये बालकनी है, बालकनी तुम देखे, हाँ देख रहा हूँ वही। इधर नीचे आओ पहले। और दोस्तों ये दूसरा बालकनी है, एंड इधर भी चस्ट है दोस्तों। देखो इधर से हम खोल सकते हैं, एंड इधर से भी खोल सकते हैं, वाह जी इसमें ये वाह, तुमने कलाकारी है। इतना खतरनाक बना लिया। और इधर और चस्ट है। तुम्हारे घर के सामने तो मेरा घर तो कुछ भी नहीं है। तुम भी बना लेना, देखे इधर भी बालकनी है ए, तुम्हें एक चीज और बताना, इधर मैं भी भूल है। गया, ये एक चीज बताना भूल गया। पहले मैं घर दिखा देता तो हूँ, तब बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ हाँ दोस्तों। चलो नीचे देखते हैं दोस्तों। मैं ना नीचे चेस्ट वाह रूम बनाया हूँ, ये देखो। वाओ, इस घर तो बनाने में ना थोड़ा टाइम लगा, मतलब एक दिन लगा था, लेकिन चेस्ट रूम बनाने के बहुत ज़्यादा ही समय लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। और तुमने तो बहुत खतरनाक बना लिया, सब सही कुछ सही में, है। हाँ ओके ओके। और ये बेडरूम देखे तुम हाँ सब कुछ देख लिया मैंने। दोस्तों, ये ना पोषण का सामान है, और पोषण का मतलब सामान रखने के लिए चस्ट है। और ये पोषण इधर से हम कर सकते हैं, पोषण क्राफ्ट कर सकते हैं। पोषण क्राफ्ट बोलते हैं कि, पोषण अरे बना सकते हैं। क्या मैं भटक जाता हूँ। हाँ पोषण बना सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा बेडरूम, और ना दोस्तों ये अंडर चस्ट ना S3 मेरे लिए बनाया था। और ये देखो दोस्तों ऐसे सजाया। और ये इंचानमेंट टेबल, इधर से ना दोस्तों हम सब इंचानमेंट कर सकते हैं सामान। क्या देख रहे हो, सब खतरनाक बुक है। वही चेक कर रहा था मैं। और दोस्तों इसमें के अंदर हम बुक रख सकते हैं, और इसमें भी मतलब कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, और एक बात बताना भूल गया, हम तीनों ना, यानी कि मैं और S3 और 06, हम तीनों ना दोस्तों कम से कम बहुत ही ज़्यादा रात जाग के ना, मतलब मॉब को मार रहे थे, और जोम्बी को, मतलब सबको ऐसा मार रहे थे। और हमारा XP ना कितना 100 हो गया था। और उससे ना दोस्तों हम बहुत बुक लिए, ये देखो दोस्तों Unbreaking 3, इतना मतलब बहुत बुक ऐसा इधर से हम क्राफ्ट करे, यानी कि इसके अंदर बुक रखो, और इसमें लेपे से जुलिया ऐसे, और ऐसे करके इसमें भी पूरा छुपा हूँ, एंड इसमें भी थोड़ा होगा। हाँ मतलब बहुत टाइम लगा दोस्तों। और दोस्तों ये बुक ना, ये सब सारा सामान S3 को मैं दिया था, और वो भी उसके पास भी 100 XP था, और वो उसने भी मतलब बहुत बुक बनाया, और सबके लिए मैक्स आर्मर भी बनाया था दोस्तों। अली मैं किधर हूँ? अरे कहाँ हो तुम, इसके अंदर छुप गए कैसे, कैसे अरे छुप गए। अच्छा इधर से, वाह मैं भी एक बार देखता हूँ दोस्तों। आप लोग को बोर होना मतलब हो रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि दोस्तों पूरा अच्छे से बात बताना पड़ता है। चलो ऊपर देखते हैं। S3 यस इधर आ जाओ, हाँ ये ऊपर भी ना मैं बाद में चस्ट लगा दूंगा, क्योंकि पोषण वाह, का सामान रखने के लिए। बेसमेंट है लोगों का, नीचे होता तुम्हारा ऊपर है।
अरे अली तुम्हारे चक्कर में मैं भूल जाऊंगा मैं किस काम से आया। अरे हाँ चलो चलो, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इधर बालकनी, एक मिनट मैं जल्दी दोस्तों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखो, इधर से बालकनी दिखेगा एंड इधर से हम अली, मैं आया ऊपर से, अली आ गया वाली। देखो मैं तुम्हारे लिए कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से। हाँ बताओ क्या। अरे तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए ये आर्मर बनाते बनाते मेरा खुद का आर्मर का वाट लग गया। हाँ देखो तुम मतलब तुम दोनों के लिए बनाए हो, तुम्हारे लिए भी और जरो के लिए भी बनाया था। अच्छा और अभी मेरे को है ना मतलब कुछ इंजॉयमेंट करना मेरे को बाकी। देखो गया था ज़ॉम्बी को मारने, देखो ये और ये दो लेके आया हूँ, तुमको दिखाता हूँ वरना इस यकीन नहीं करोगे। देखो ये और ये लेके आया हूँ। अरे का मुझे दिख ही नहीं रहा, देखो चेक करके देखो, उठा के देख लो दोनों का एचपी एकदम गंदे तरीके डाउन। अरे हाँ ये तुम ही रख लो, फेंको ऐसा उठा के मत फेंकना, मतलब इन्वेंटरी से फेंको। ओके ओके वरना खत्म हो जाएगा। हाँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही फेंक इंचार्जमेंट करना। ओके ओके अभी मैं चलता हूँ। तुम क्या क्या इंचार्जमेंट करे अभी तुम्हें? आप ओनली देखो अभी उधर चेक कर लो ना, वही सब है ना जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है और जरो के पास भी है। ओके दोस्तों मैं पहले अपना सामान रख देता हूँ, किधर रखूँ? चलो दोस्तों बेड बेड के सामने पूरा सामान रख देता हूँ, यानी कि बेड के इधर। यस तो मैं पूरा सामान इसके अंदर रख दिया हूँ एंड चलते हैं वो सामान लेने के लिए। दोस्तों स्थिति ना बहुत मेहनत किया था, और मैं भी मतलब मेरा भी एक्सपी ना 100 था, पूरा यही कपड़े में मतलब ऐसा ख़त्म हो गया था, और बहुत सारा बुक दिखाया था मैंने दोस्तों उसमें रखा हूँ, अभी दिखाया था बाद में। अरे ये तो देखना भूल गया, इतना खतरनाक आर्मर। अरे वाह, अरे जल्दी उठा सामान। अरे रे रे इसके अंदर क्या है? अरे इतना सारे इंचानमेंट मेंडिंग, तुम्हें मेंडिंग कैसे मिला बुक? वो सीक्रेट मैं नहीं बता सकता। क्यों इस थी यस वो बता दो ना कि तुम मतलब कैसे ये करे इंचानमेंट, वो सीक्रेट वाला बात है। इंचानमेंट तो हार सकिया था और जो सीक्रेट वाला वो तो नहीं बता सकता। क्यों पहली तरह मेहनत किया तो वो मैं पहले ही नहीं बताना चाह रहा था। अच्छा लेकिन मेरे दोस्तों को तो बता दो। ठीक है तुम इतना बोल रहे हो तो बता देता हूँ। जो है ना एक मतलब नीचे एक एक्सपी फॉर्म बनाया था। हाँ। तुम्हारा जिस तरह वो एक्सपी था ना वो भी मेरे से मतलब इस्तेमाल किया था, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। सरों का भी जितना एक्सपी था वो भी शुरू होने से पहले खत्म हो गया, मतलब आधा ही हुआ था बस। अच्छा उसके बाद एक एक्सपी फॉर्म बनाया था, फिर जाके मेरा मतलब वो हो पाया था, और उसके लिए एक विलेजर भी चाहिए था, और वो विलेजर को भी मैं पूरा मैप्स कर दिया था एकदम खतरनाक ही। अच्छा और अगर मैं विलेजर को छोड़ देता तो कोई और रोल ले लेता। अच्छा इसलिए मैं एक्सपी फार्म को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब काम होने के बाद, और पूरा वो विलेजर को भी जिता दिया। जब मार रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। अच्छा तभी तो सोचो दोस्तों कि इतना मतलब खतरनाक आर्मर कैसे ऐसे आया। और दोस्तों देखो नॉक बैक और पिकेक्स में देखो क्या लगा है, पूरा गोड आर्मर है वो। ये वाह एक तरीके से गोड आर्मर बोलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूरा मैक्स है। ओके दोस्तों देखो क्या क्या लगा है पिकेक्स में। क्या नाम मतलब क्या है वो? अनब्रेकिंग 3 सिल टच और ये फॉर्चून वाला पिकेक्स। वाओ अभी सिल टच वाह दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आर्मर। एक बात बताना भूल गया, मेरे बो में लगा हुआ है फ्लेम ऑन, यानी ना दोस्तों हम फ्लेम मतलब कुछ ये एरो फेंकेंगे ना तो आग लग जाएगा। ये देखो दोस्तों चलो शिप को मार के देखते हैं। यस देखो दोस्तों एक ही हिट में ख़त्म हो गई, चलो मैं दिखाता हूँ। चलो ये देखो दोस्तों एक ही बार में निपट गई, तो इसका खाना लेंगे एंड चबाएंगे हम।